वैसे तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप दुनिया से पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं एंड 2 सेकंड में किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड लगता है कि भाई दुनिया हमारी मुट्ठी में है। लेकिन हर चीज के एक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एंड इस सोशल मीडिया के अंदर हमारी कुछ फूफा टाइप ऑफ कैरेक्टर जो कि 2 सेकंड में अपना मुंह खुला लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे घर आए, छोटे लड़कों ने तुम्हारे हमारे एक का पैर छुआ था, दोनों नहीं छुए, इसलिए आई एम ऑफेंडेड और मैं अब बुला के बैठूंगा, इशू बनाऊंगा क्योंकि मुझे यही आता ही है, मैं पूरा सबका मूड खराब करूंगा और भाई मैं आया ही इसलिए हूँ। ये लोग इतने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं कि भाई इनको हर बात पे इशू बनाना होता है, लाइक कि भले ही खुद जो है भाई साहब कौवा मार के आए हो ट्विटर के अंदर, बट उन्हें प्रॉब्लम है उस चीज से कि हमारे भाईजान ने कैसे जो है खुले में एक सिगरेट फूंक लिया, बिकॉज ऑफ कि यूथ पे इसका एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा एंड ये एक सेलिब्रिटी होके कैसे कर सकते हैं ऐसा, जैसे कि तुम करते आ रहे हो तो क्या सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ नहीं होती है? इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, इन लोगों को हर एक चीज से प्रॉब्लम होती है। 10-10 साल पुराने तुम्हारे बयान निकाल के लाएंगे कि भाई तुमने ऐसा करा है, तुमने ऐसा करा है, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्टली होना चाहिए। कबीर सिंह एनिमल जैसी फिल्में जब रिलीज होंगी तो दौड़ के सबसे पहले ये लोग जाएंगे देखने के लिए एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट भी करेंगे कि भाई देखो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड अगर एनिमल की बात आई है तो मैं इस मुद्दे पे बात इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो ये एक डीएस टॉक्स का एपिसोड होने वाला था जब मैं ढेर सारी अपडेट्स पे बात करने वाला था एंड मैं करूंगा भी, बट मुझे लगा कि स्टार्टिंग में इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, बहुत दिन से चल रहा था। तो डीएस टॉक्स की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी मुद्दे को उठाते हुए जो कि कनेक्टेड है रामायण मूवी और रणबीर कपूर को लेके। ऐसा कि आज जो एक अपडेट आई है रामायण मूवी से जहां पर ये बताया गया है कि लॉर्ड श्री राम का कैरेक्टर तो हमारे रणबीर कपूर साहब जो है प्ले कर ही रहे हैं, बट भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का भी कैरेक्टर रामायण मूवी के अंदर जो है रणबीर कपूर के द्वारा ही प्ले किया जाएगा। एंड इसके अलावा एक और खबर आई कि भाई अमिताभ बच्चन साहब जो है जटायु के कैरेक्टर का वॉइस ओवर करने वाले हैं एंड इससे भी बड़ी बात कि मूवी का जो है शूट जो है अप्रॉक्सिमेटली नवंबर तक रैप अप होने वाला है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एंड 4 साल का प्री प्रोडक्शन जो चल रहा था वो तो अपनी जगह पे था ही। एंड इसके अलावा ये खबर भी आती है कि भाई 2026 में पिक्चर रिलीज होगी। इस अपडेट के आते ही फिर से अगेन कुछ सो कॉल्ड लोग जो कि भाई सोशल मीडिया के ज्ञानी है जिनके अकॉर्डिंग हर एक चीज होने वाली है, उन्होंने फिर से वही नौटंकी स्टार्ट कर दी कि भाई रणबीर कपूर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि एक बीफ ईटर है एंड हमेशा जब भी रामायण मूवी की अपडेट आती है तब भी उस कमेंट सेक्शन में तुम्हें 20-50 ऐसे लोग जरूर दिख जाएंगे जो कि इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन रणबीर कपूर प्ले कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड श्री राम बिकॉज ऑफ ही इज अ बिग बीफ ईटर, जो कि उन्होंने 10 साल पहले कहा था। ये इनका डबल स्टैंडर्ड ये कि ये लोग सोशल मीडिया पे इतने खोखले जो है धर्मवादी बन गए हैं कि इनका धर्म पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे ही समेट के आ गया है। बाकी बाहर की दुनिया में जाओ तो भले ही चाचा कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, बट किसी एक्टर ने 10 साल पहले बोला तो उसका इशू जरूर बनाना है। एंड अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ये छोटी कॉन्ट्रोवर्सी है, देखना जब रामायण मूवी रिलीज होगी तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी। हालांकि मैं इस चीज से शौक हूँ कि जिन लोगों को अपने धर्म के बारे में इतनी सारी चिंताएं हैं वो लोग एक कैरेक्टर एक पर्सन के 10 साल पुराने इंटरव्यू को अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन वही डबल स्टैंडर्ड के लोग प्रभास जिन्होंने लॉर्ड श्रीराम के कैरेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ओम राउत को कुछ नहीं बोलूंगा, प्रभास का लुक ही इतना ज्यादा घटिया लग रहा था, वो कहीं से भी शूट नहीं कर रहे थे, अब उनकी भी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी मूवी के अंदर जो जो चीजें थी वो बोलनी नहीं है, फिर भी लोग आदि पुरुष से आगे बढ़ के प्रभास को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं बट रणबीर कपूर को नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बॉलीवुड एक्टर है। खैर इस बारे में हम किसी दिन बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से लोगों का एक डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है सोशल मीडिया के अंदर। फिलहाल के लिए हम अपनी सेकंड अपडेट पे चलते हैं जो कि हमारे अक्षय कुमार साहब के कमबैक के बारे में। जी हाँ, भूत बंगला नाम की एक मूवी अनाउंस हो चुकी है आज उनके बर्थडे के मौके पर। सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ही इज अ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन ऑफ बॉलीवुड एंड भाई इनके लिए थोड़ा सा बुरा जरूर फील होता है जब इनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं। हालांकि चलो कम से कम इस चीज से हमारे अकीपाजी को ये तो रियलाइज हुआ कि पब्लिक उनसे चाहती क्या है, वो फिर से अपने एक्शन जॉनर में अपने कॉमेडी जॉनर में वापस आ रहे हैं एंड ये एक फैंस के लिए ट्रीट जैसा है। प्रियदर्शन साहब का जो कॉम्बो रहा है हमेशा से अक्षय कुमार साहब के साथ वो हमेशा ही काम कर रहा है एंड इस बार भी ऐसी वाइब्स हैं कि ये कैरेक्टर भी एकदम वही भूल भुलैया वाली थोड़ी सी वाइब है कि थोड़ा हरामखोर टाइप का भी कैरेक्टर लग रहा है, जो कि मैं थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव लेता हूँ उस चीज को। जब भी अक्की पाजी कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा सनी वाले फॉर्म में होते हैं मजा आता है एंड जिस तरह से बिल्ली की कटोरी का दूध पीने लग रहा है कि मजा आएगा। फिलहाल के लिए मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, हालांकि कुछ लोग इसे जो है भूल भुलैया का एक सेकंड वर्जन बोल रहे हैं तो भाई इन्हें क्या ही बोले, सोशल मीडिया के फूफा है ऑफेंड होके बैठे होंगे। खैर इसके बाद बात करते हैं अपनी थर्ड अपडेट पे जो कि इस आई के साथ की किंग मूवी से रिलेटेड है, जो कि अपनी बिटिया सुहाना दीदी के साथ बना रहे हैं जो भी पिक्चर, वो मूवी फिर से एक बार डिले होती हुई नजर आई है। लाइक कि 2024 में उनकी कोई पिक्चर नहीं आई है, 23 में 3 ब्लॉकबस्टर दी है, उसके बाद 24 में कोई
मूवी नहीं, एंड अभी ऐसा लग रहा था कि 25 में किंग आएगी जो कि लगभग कंफर्म थी कुछ आर्टिकल्स के जरिए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि भाई शूट में उसके थोड़ा सा डिले होने वाला है। यहाँ तक मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अभी उस स्क्रिप्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उसको फिर से जो है लिखा जा रहा है स्क्रिप्ट को एसआई के साथ के अकॉर्डिंग। हालांकि इस चीज पे मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से फिल्म बनने वाली थी, जैसा हमने पहले सुना था कि भाई इसमें मासी एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं होंगे, फिर उसके बाद एक्शन के कुछ ब्लॉक्स ऐड करे गए, सिद्धार्थ आनंद को लाया गया, अनिरुद्ध को लाया गया, तो भी ऐसा लग रहा है कि एसआई के साथ इस ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझते कि आज के टाइम पे क्या बिकेगा, तो वो एक ऐसी फिल्म लेके आएंगे जो कि इवेंट फिल्म ही बने, लोग उसे बस सुहाना खान की मूवी ना समझे, उसके लिए उनको पूरी तरह से बदलनी भी पड़े तो चलेगा। खैर जो भी हो, अब मूवी की शूटिंग जो है जनवरी 2025 से शुरू होगी, तो आई डोंट थिंक ये मूवी 25 में आने वाली है, शायद वो 2026 में ही आए और हमें 2 साल फिर से, मतलब ये साल तो गया ही, अगला साल भी बिना शाहरुख खान साहब के गुजारना पड़ेगा। खैर इसके बाद आते हैं अपनी पांचवी अपडेट की तरफ, जो कि हमारे सलमान खान साहब के कैमियो से रिलेटेड है, जो कि सिंघम अगेन के अंदर होने वाला है। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि होने वाला है, इधर से फोटो जो कि लीक हुई थी और जिस पर ये दिखाया जा रहा है कि सिंघम भाई साहब एक साइड में है हमारे चंदन पांडे साहब और बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर वगैरह जो चीजें दिख रही है, मैंने पोस्ट पे भी डाला था, बहुत सारे लोगों से पूछा था, तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये कोई एड का शूट था, ये था वो था, बट अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से एडिट किया काफी रियल लग रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, कुछ जर्नलिस्टों ने कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट आई रियली होप कि ऐसा कुछ हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे इस चीज से कि कॉपी यूनिवर्स पहले से एक खिचड़ी है हमारे चुलबुल पांडे साहब का, उसमें काम ही क्या है, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये मत देखो कि कॉपी यूनिवर्स में खिचड़ी बनी हुई है, टाइगर भाई हमारे हैं, अजय देवगन साहब, अकीपाजी, बट तुम ये चीज देख सकते हो कि सलमान खान साहब को डायरेक्शन देने वाले हैं रोहित शेट्टी। उनकी एक तो पिक्चर है, भले ही ऊपर नीचे अभी जा रही हूँ, एज लाइक सर का सीमा केवल कहूंगा जो कि ठीक ठाक नहीं गई। इंडियन पुलिस फोर्स उन्होंने जिस तरह से बनाई थी, वो 2-4 साल पहले आई होती सीरीज तो काफी चलती, क्योंकि एक्शन ही एक्शन था, एक्शन डायरेक्टर है, एंड आफ्टर दैट उनकी जो मूवीज आती है सर्कस के अलावा, पहले की पिक्चरें भी देख लो, वो मुझे ठीक ठाक ही लगी है। इवन सोलंकी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ अक्षय कुमार पोस्ट पैंडमिक, उसके बाद से उन्होंने वैसी कोई पिक्चर दी ही नहीं है, जो एनर्जी थी, जो एक्शन था, जो चीजें थी एकदम परफेक्ट थी, तभी उसने लॉकडाउन में इतना कलेक्शन किया था। तो अगर हमारे सलमान भाई को रोहित शेट्टी एक बार डायरेक्ट करने वाले हैं तो फिर भाई प्रॉब्लम ही क्या है। खैर तुम्हारे सब चीजों पे क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, और बाकी उम्मीद करते हैं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, बातें भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे।